ये है i20 2012 मॉडल, स्पोर्ट्स एबीएस सीआरडीए इंजन है और इसका एवरेज है बहुत कम हो गया है। तो अभी हमने क्या किया, इसको 1000 किलोमीटर के करीब चला करके लाए हैं। वैसे इसकी सर्विस होती है 10000 किलोमीटर के बाद, लेकिन क्या होता है कि आंधी के समय धूल मिट्टी वो एयर फिल्टर में आ जाती है। तो अभी आपको दिखाता हूँ इसका एयर फिल्टर खोल करके। तो ये इसका एयर फिल्टर है और इसको निकाल देते हैं। तो देखिए बहुत डस्ट आ रही है इसमें। ये है, देखिए, क्योंकि गाड़ी है हम क्या करते हैं उसमें एयर पूरा नहीं जाएगा तो क्या होगा कि हमारे हवा कम जाएगी और उससे एवरेज पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। तो अभी ये डस्ट फिल्टर है, इसको अच्छी तरह से क्लीन करना पड़ेगा और एयर फिल्टर हो सके तो चेंज ही करवा लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट है और ये कई बार ऐसे हम ये फट भी जाता है। फटा हुआ एयर फिल्टर तो बिल्कुल यूज नहीं करना। तो ये डस्ट देखिए आप, कितनी डस्ट यहाँ पे है, ये बहुत ज़्यादा डस्ट आ चुकी है। और इतनी डस्ट से क्या होगा, इंजन के अंदर एयर सही ढंग से नहीं फ्लो करेगी, नहीं आएगी। बहुत ज़्यादा कचरा है। ब्लोअर से इसको साफ करते हैं। ब्लोअर भी क्या है, ऊपर की साइड से हवा की इधर खींचता है और इस साइड से हमको ब्लोअर चलाना है ताकि जो मिट्टी है वो पीछे की तरफ निकल जाए। ब्लोअर का स्पीड है उसको फुल पे कर देते हैं। इसको उठा करके ब्लोअर ऐसे मारेंगे काफ़ी देर तक और अच्छी तरह से इसकी डस्ट को निकालना है। एक और काम कर सकते हैं, पाइप से इसमें पानी मारेंगे और डस्ट है वो नीचे निकल जाएगी। डस्ट को निकलने के बाद इसको अच्छी तरह से सुखाना है। सुखाने के बाद इसको वापस गाड़ी में लगा दें तो आपके माइलेज में भी फ़र्क पड़ेगा। पाइप से इसमें पानी का प्रेशर मार दिया है इस साइड से और अब इसके अंदर ब्लोअर फिर से लगा करके और इसको अच्छी तरह से सुखा लेंगे। तो इसमें अच्छी तरह से ब्लोअर लगाने के बाद अब इसको सूखने के लिए रख देंगे। ऊपर कपड़ा रखेंगे, किसी प्रकार की धूल मिट्टी इसमें नहीं जानी चाहिए। धूप में अच्छी तरह से सूखने के बाद इसको वापस फिटिंग करेंगे।